वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स लाइफ। तो मेरा नाम है स्वरा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों लिया। वाली वीडियो मैंने खुद आप लोगों से बोला था कि मैं रीजन दूंगी कि मैंने अपने कॉलेज से क्यों ड्रॉप आउट लिया। एंड वैसे बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने अपने कॉलेज से क्यों ड्रॉप आउट लिया, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जब मैंने ड्रॉप आउट लिया था। वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, मेरे स्वरा सिंह वाले चैनल पर अपलोड है। रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट या वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि तुम अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रही हो, तुम कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए बट तुमने वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया एक महीने में ही। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि बिना रीज़न जाने पहले बक देना। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन करवा रही थी, पहले से पता था कि मुझे कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने पहले से ही टीचर से पूछ लिया था कि अगर मुझे ड्रॉप आउट लेना होगा तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी एंड रिफंड वगैरह। तो पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ स्कूल का, कि जैसे ये था ना कि हमारे दो सेमेस्टर थे, पहला सेमेस्टर हाफ 6 मंथ का एंड नेक्स्ट जो 6 मंथ है, ताकि हमारा जो फीस था ना वो ऐसे इंस्टॉलमेंट में नहीं सबमिट हो रहा था। ऐसा था कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको 6 महीने की फीस आपको देनी पड़ेगी। ताकि मान लो कि मैं वहाँ पे गई एंड मुझे एक महीने में ही प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे पूरा सेमेस्टर वहीं पे रहना पड़ेगा प्रॉब्लम में, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट ले सकती हूँ। तो मैंने पहले से ही टीचर से पूछ लिया था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या मैं ड्रॉप आउट ले सकती हूँ यानी एक महीने में। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप आउट ले सकते हो, आप जितना वहाँ पे रहोगे वो कट जाएगा, बाकी आपकी जो फीस वगैरह है वो आपको फिर से वापस मिल जाएगी, विच वॉज गुड। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है आपको रिफंड नहीं मिलता, अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी तो वो ले लेते हैं, वो पैसा वापस नहीं देते हैं। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि मैंने अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ, ये जो डिसीजन मेरा वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने का था, मैंने बोला कि हाँ मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, मेरे मम्मी पापा से लड़ाई वड़ाई करके मैं चली गई, ऐसा नहीं था। बैठाया, समझाया, सारी चीज़ें बोली कि हाँ मैं वहाँ पे जा रही हूँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ एंड अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। था कि हाँ ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे ट्राई करो, अगर होगा तो करना, अगर नहीं होगा तो वापस आ जाना। जो लोग कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करियो, तो प्लीज सी, अगर मैं कुछ ट्राई करने जा रही हूँ ऑब्वियसली आपका पैसा लगेगा ही लगेगा, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वहाँ पे मौज मस्ती काट रही हूँ और मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। वहाँ पे जाने का भी डिसीजन था, मैंने अपने मम्मी पापा के साथ लिया था, मिलके लिया था एंड वहाँ से आने का भी था, तो मैंने अपने मम्मी पापा को सारी चीज़ें बताई एंड की। उन लोगों को वैसे भी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आप लोग पैसा की बात करो, वैसे भी रिफंड मिल गया। जो कुछ लोगों को मेरी पढ़ाई की चिंता हो रही, तो मैं उनको बता दूँ मैं दूसरे यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। तो जो लोग मेरी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मत करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा आई थिंक मुझे मेरी पढ़ाई की चिंता होगी। जो मुझे एडमिशन मैनेजर मिली थी, मैंने उनसे पूछा था दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है ना मुझे वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा फर्स्ट ईयर चलेगा, फ्रेशर हूँगी मैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एडमिशन ले सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में जो मैं पढ़ाई करने वाली थी वो जो मेरा करियर है यूट्यूब है उससे रिलेटेड था, फिल्म्स एंड वेब सीरीज से रिलेटेड था। थिंग से जाना था ऐसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फिल्म्स एंड वेब सीरीज ये सारी चीजें डायरेक्टिंग कैमराज के बारे में पढ़ाया जाए। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, बिकॉज हमारी एक लाइफ है, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे चली गई। जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे कोर्स में बच्चे हैं वो सिर्फ 10 या फिर 15 गिन के हैं, और क्लास में जो बच्चे आते थे वो सिर्फ 5 से 6 बच्चे आते थे। इस चीज पे कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि मेरे क्लास में कम बच्चे थे, दैट वाज गुड कि कम बच्चे हैं, चलो ठीक है टीचर का फोकस हर बच्चों पे रहेगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग उसमें हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे जो कि हमारे सब्जेक्ट में था ही नहीं। हमें कैमराज, स्क्रिप्टिंग के बारे में, ये सारी चीजें, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ाना था, बट वहां पे हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा था। जो हमारे बीजेएमसी के बच्चे थे जो कि मास कम्युनिकेशन पढ़ते थे, हमें उनके क्लास में बैठा दिया जाता था एंड टीचर उन पे फोकस करता था, क्योंकि बीजेएमसी में 200 बच्चे थे एंड क्लास में भी बहुत सारे प्रेजेंट होते थे, 80-60 बच्चे प्रेजेंट होते थे। हम 5 से 6 बच्चों को, जो हमारा फिल्म्स वाले जो बच्चे थे, उनको बीजेएमसी वालों की क्लास में बैठा दिया जाता था एंड वहां पे हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था। आता था कि आज हमारी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली होती थी। वहां पे जाने के बाद क्लासेस खत्म है, लाइक 2 बजे तक क्लासेस खत्म है, बट नहीं, 2 बजे के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चलेगी। भाई हम क्यों पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस करें, हमारे वो सब्जेक्ट में है ही नहीं। वहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मीडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मैं मीडिया से क्या लेना देना। मैं फील्ड ट्रिप पे लेके गए थे, न्यूज ऑफिस लेके गए थे, वो ट्रिप बेसिकली उन्होंने बीजेएमसी वाले बच्चों के लिए बनाया था एंड वहां पे फिल्म्स वाले बच्चों को लेके भी गए थे साथ में। उन्हें लेके जाना चाहिए था फिल्म्स इंडस्ट्री या फिर जो भी वहां पे नेटफ्लिक्स के ऑफिस वगैरह थे वहां पे लेके जाना चाहिए था, बट ये हमें उस ऑफिस में लेके गए थे जहां पे मीडियाज के बारे में ये सारी चीजें थी। सर के ऊपर से सारी चीजें जा रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मीडिया वाले बच्चों के साथ हमें क्यों ले घुसा रहे हैं।
क्योंकि हमारे से 5 से 6 बच्चे थे, हमें प्रायोरिटी दी नहीं जा रही थी। एंड आई डोंट नो, वहां पे 1-2 बच्चे जो हमारे कोर्स के भी थे, उन्होंने भी बोला था कि सर ये फील्ड ट्रिप का मतलब क्या है, जब हमें मीडिया ऑफिस दिखाया जा रहा है, न्यूज ऑफिस दिखाया जा रहा है। जाने से पहले ये था कि मैं हॉस्टल रूम लेने वाली थी डबल शेयरिंग, एंड मैंने वीडियो भी डाली, अपने हॉस्टल का रूम टूर भी कराया। इसके पहले वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने दिखाया है कि मेरा हॉस्टल का जो ट्रिपल शेयरिंग है उसमें रूम कितना कंजेस्टेड है। भाई उस चीज के लिए तो मैं बोलने ही वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब हमारा एडमिशन होने वाला था तो टीचर से मेरी बात हुई कि मुझे डबल शेयरिंग चाहिए, बट वहां पे जाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रिपल शेयरिंग में डाल दिया। मैं ये वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, मैं एक चीज बताना भूल गई कि मैंने मैम से बोला था कि क्या मुझे डबल शेयरिंग मिल सकती है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि नहीं बेटा ट्रिपल इज ऑल्सो ओके, एंड आप अच्छा है ना कि आप ट्रिपल ले रहे हो डबल नहीं, क्योंकि डबल ज्यादा महंगा है ट्रिपल से, एंड आप अपने पैसे बचाओ। एंड आई वाज लाइक भाई ये हो क्या रहा है, डबल शेयरिंग सब कुछ फुल हो चुका है, उन्होंने बच्चों को इतना ज्यादा घुसा लिया था ना कि डबल शेयरिंग भी नहीं था, लोग कह रहे थे कि नहीं तुम लोग फ्लैट लेके रहो, तो मतलब इतना ज्यादा मेस्ड हो गया था ना कि मतलब वहां पे जाने के बाद मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ी ना कि शिट यार, मेरे रूम में 2 लड़कियां और रहेंगी, 3 लोग रहेंगे इतने छोटे से रूम में, मैं अपना काम, मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस कहाँ बनाऊंगी। डबल शेयरिंग में तो चलो फिर भी ठीक था कि एक मेरी रूममेट रहती, मैं उससे यू नो बात बात करके सब कुछ मैनेज हो जाता। थैंकफुली जो मेरी ये वाली भी रूममेट थी वो भी काफी स्वीट थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी जो तीसरी वाली रूममेट थी वो तो आई भी नहीं थी, तो हमें ट्रिपल में डबल मिल गया था, बट ये चीज थी कि वहां पे जाने के बाद मुझे ट्रिपल में डाल दिया गया, एंड दे वर लाइक कि हमारा रूम खाली नहीं है डबल का, तो ट्रिपल में आपको जाना पड़ेगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर चेंज कर सकते हो, आप लाइक ट्रिपल से डबल में आ सकते हो। ये रही पढ़ाई की एंड हॉस्टल की प्रॉब्लम। मैंने अपने एडमिशन मैनेजर से बात भी किया था, मैंने उनको बताया था कि यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, एक्चुअली आई मेक यूट्यूब वीडियोज, मैं उनसे यही सारी चीजें डिस्कस कर रही थी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप फिल्म के बच्चे हो, आपने अपना कोर्स जो चूज किया वो फिल्म चूज किया है, एंड हमारे कॉलेज में स्टूडियो भी है, तो आप वहाँ पे वीडियोस अपना बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, मेरे ब्लॉग से जो मेरा ब्लॉग था वहां से स्टूडियो जाने में मतलब मेरी हालत खराब हो जाती, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं वहां पे वीडियोस बना लेती हूँ तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टूडियो की इसलिए बात करी क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी रूममेट्स भी थी, तो स्टूडियो के लिए मैं आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है स्टूडियो है, क्योंकि अगर मैं रूम में वीडियोज बनाती है, मेरे साथ साथ जो मेरी रूममेट्स हैं, जस्ट इमेजिन कि वो पढ़ाई कर रही है, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती ना कि अरे अरे रूम से निकलो मैं यहाँ पे वीडियोज बना रही, एंड अगर मैं उनको रूम से निकलने के लिए भी नहीं बोलती तो अगर मैं वीडियोज बनाती तो उनको डिस्टर्बेंस होती, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे वीडियोज की वजह से या फिर मेरे YouTube की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। आई वॉज लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज कि क्या होगा वहां पे जाने के बाद, या फिर मैं अपने हॉस्टल रूम में भी बना सकती हूँ, एंड मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है जो कि मैंने डाली भी है एंड ट्रेंडिंग भी गई थी, बट जब मैं वहां पे गई एंड मैंने स्टूडियो देखा तो वहां पे सिर्फ स्टूडियो में एक ग्रीन स्क्रीन, एंड वहां पे ऑलरेडी बच्चे थे, एंड वहां पे इतने सारे बच्चों के सामने मैं वीडियोस नहीं बना सकती हूँ क्योंकि वहां पे बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो लोग वहां पे क्यों है, उन लोगों को हट जाना चाहिए, मैं गई हूँ तो उन्होंने भी फीस दी है, वो भी उस स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। एज मी कि मैं ये सोच रही थी कि यार शिट यहाँ पे इतने सारे बच्चे, मैं उनके सामने वीडियोस कैसे बनाऊंगी। वहां पे टाइमिंग भी थी स्टूडियो में जाकर आप यूज कर सकते हो, जो कि था 5 बजे तक, हमारी क्लासेस चलते चलते 5:30 ऐसे खत्म हो रही थी। आप ये बताओ कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, सारी चीजें करूंगी, फिर रूम पे आने के बाद जब मैं स्टूडियो जाऊंगी तब तो वहां पे बंद हो जाएगा ना, एंड मैं इतनी स्पेशल तो नहीं हूं कि वहां पे मेरे लिए खास स्टूडियो खुला होगा कि हाँ आप यूट्यूबर तो आप आ जाओ, आपके लिए हम स्टूडियो रात के 11 बजे तक खोल के रखेंगे। स्टूडियो में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही एक रूम था, एंड उस पर उन्होंने यू नो ग्रीन स्क्रीन लगा दिया था, हर जगह ग्रीन स्क्रीन, इससे अच्छा मैं अपने हॉस्टल रूम में बना लूं। सो या दैट वाज अ प्रॉब्लम। वहां से जाने में मतलब आई थिंक कोई आया है, क्यों आया, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ वो मैं डेली बनाती हूँ, तो उसके लिए मतलब ऐसा होता ना कि मैं वहाँ पे जाती, पढ़ाई वढ़ाई करती, फिर अपने रूम पे आती, फिर रेडी होकर फिर शॉर्ट्स बनाने जाती, तो वो एक प्रॉब्लम थी। आई होप आप लोग समझोगे कि मैं किस कैसी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। नेक्स्ट आते हैं टीचर्स पे। मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले ना, मतलब मुझे हंसी आ रही है, प्लेन जा रही है। अब इसमें टीचर्स की क्या दिक्कत है मेरे को नहीं पता, एंड मुझे हंसी आ रही बताने में। सो हुआ ये कि जब मैं गई थी तब मुझे फीवर हो गया था, आई डोंट नो वहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से या फिर पानी खाने की वजह से जो भी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी एंड मेरा गला बिल्कुल बंद, लाइक अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, उस टाइम मतलब इतनी खांसी कि लिटरली एक बार मैं क्लास में बैठी थी, वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे एंड वो स्टूडियो में ही हम बैठे थे, हमारा आई थिंक कैमरा यू नो कैमरा के बारे में सर पढ़ा रहे थे, हम वहाँ पे बैठे थे एंड मुझे आने लगी खांसी, एंड वहाँ पे जो पूरी ग्रीन स्क्रीन की वो जो
शीट होती है ना, जो भी ग्रीन स्क्रीन वाला पर्दा होता है, वो पूरा मतलब कर्टन्स बिछे हुए थे। तो सर ने ये बोला था कि आप लोग के जितने भी पानी वानी है ना, आप लोग बाहर रखो, आप लोग यहाँ पे मत रखना, क्योंकि पानी वानी गिर जाएगा ना तो गंदा हो जाएगा। एंड वहाँ पे शूज पहन के भी जाना अलाउ नहीं था। खाने पीने की चीजें लाइक मैं शॉर्ट्स में कभी कभी खाती हूँ पीती हूँ, आप लोगों को भी पता है, तो सारी चीजें अलाउ नहीं थी। तो मैं अपनी वीडियोस तो वैसे भी बना नहीं पाती, तो खैर उसको हम साइड में रखते हैं। कॉलेज जाने बाद जब मेरी तबियत खराब चल रही थी, तो मैंने एक शॉर्ट डाला था लिविंग माय होम, आप लोग वहां पे जाके आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हो, मतलब मेरी आवाज बिल्कुल चेंज है, मतलब पूरी बैठ गई थी खांसी की वजह से। तो वो सारी चीजें छोड़ दो, तो वहां पे हमारी क्लास चली थी, वहां पे बीजेएमसी वाले भी बच्चे बैठे थे। ये चीज देखो कि हमें कैमरा के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वहां पे बीजेएमसी वाले बच्चे बैठे हैं। एंड बीजेएमसी वालों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था, तो हमें उनके क्लास में बैठाया जाता था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए। तो सर ने मना कर दिया था कि पानी अलाउ नहीं है। वहां पे मुझे आने लगी खांसी, इतनी खांसी। एंड वो जो खांसी होती है ना, वो सूखी वाली खांसी, जो ड्राई वाली होती है कि आप ऐसे सांस भी लो तो आपके गले में दर्द होता है, तो आप खांसते जाते हो खांसते जाते हो, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। एंड मैं इतना खांस रही कि मेरे गले में दर्द हो रहा है। एंड लिटरली मुझे उस टाइम वोमिटिंग आ गई थी, मैंने अपना मुंह दबा के मैं क्लास से भागी थी। उस टाइम मेरी तबियत खराब थी, फिर भी मैं क्लासेस कर रही थी। एक दो दिन मैंने एबसेंट भी किया था, क्योंकि मैं क्लास में जाई थी, मुझे इतनी खांसी आ रही थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। एंड मुझे क्लास से बाहर ऑब्वियसली जाना ही पड़ता था, क्योंकि मेरी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। आप बताओ, एक क्लास पूरा खाली है, वहां पे मैं खांसे जा रही हूँ, वो भी लगातार। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सारे बच्चों का अटेंशन पढ़ाई पे होगा, कि वो भैया देखेंगे कि ये इसको कोविड तो नहीं हो गया? तो एक दिन की स्टोरी बताती हूँ। हमारी कल की क्लासेस 1:30 तक चलेंगी। मैं इसका खाना था वो मिलता था 12:30 से 2:30 या फिर 40 तक। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, 1:30 पे क्लास खत्म होगी, उसके बाद मैं मैस में जाऊंगी खाना खाऊंगी। एब्सेंट होने के बाद जैसे मैं कॉलेज गई थी, उस दिन हमारी दो मीटिंग होने वाली थी। जो पहली मीटिंग थी उसके बारे में हमें नहीं पता था, एंड पता भी कैसे होगा, क्योंकि मैम ने सडनली ऐसे प्लान बनाया कि जो फिल्म्स वाले बच्चे हैं उनको वो लोग मूवी दिखाएंगे, 2-3 घंटे की मूवी थी वो। दूसरी वाली मीटिंग के बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैंने खुद को प्रिपेयर किया था कि ठीक है, जब क्लासेस खत्म होगी उसके बाद 4 बजे मैं जाऊंगी वो प्लेसमेंट वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो हमारी क्लास 1:30 पे खत्म होने वाली थी, तो ये हुआ कि जब 1:30 हो गया, तो मैम आपसे जा नहीं रही थी। लाइक टीचर्स का होता है ना कि जब बेल रिंग भी हो जाती है, 1:30 होने के बाद भी वो क्लास में ही थी। तो उन्होंने क्लास आई थिंक खत्म किया था 2:20 तक। सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। एंड लंच का टाइम होने वाला था, वो भी खत्म होने वाला था, क्योंकि उन्होंने 2:30 पे कुछ छोड़ा था, क्योंकि ऐसे टीचर्स आते थे, अपनी बातें बातें करते थे, एंड उसमें टाइम खत्म हो जाता था। आप ये बताओ कि जब मैं वहां पे जाऊंगी मैस में, तो क्या मैस मेरे लिए खाना रखा हुआ है कि हाँ क्लास कर रही थी तो ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है? अगर 2:40 हो गया तो उसके बाद वो सारे खाना वाना हटा लेते थे, तुम खाओ या ना खाओ। तो खैर वहां पे बहुत सारी यू नो आउटलेट्स भी थे कॉलेज के अंदर ही, जिसमें हम पैसा देके यू नो खा सकते थे, बट उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। मैस के खाने के लिए हमने पेमेंट किया है एंड मैस बंद, तो अगर हमें कहीं से खाना है, भूखे तो हम रहेंगे नहीं, हमें कहीं से खाना है तो उसके लिए भी हमें पेमेंट खुद से करना होता था। वो मैम 2:30 पे गई एंड वहां से मैस तक जाने में हमें 5 मिनट लगता, एंड मुझे दवाई भी खाना था। क्लास दीदी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं दूसरे जो आउटलेट था वहां से जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। जब मैं वहां गई तो मैम का मैसेज आता है कि प्लीज हरी कम इन दिस क्लास, ठीक है, उनका तुरंत मैसेज आता है कि जल्दी से इस क्लास में आओ। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है, एंड वो क्यों बुला रही थी मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो फिल्म्स वाले बच्चे थे उनको मूवी दिखाने वाली थी, मैं पढ़ाई से ही रिलेटेड था, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं गई उस आउटलेट में, मैंने अपने खाने का ऑर्डर दिया, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, तो वहां पे टाइम लगता था खाना आने में, यू नो 15-10 मिनट्स आपको वेट करने ही करने होते थे, कभी कभी 20-25 मिनट भी हो जाते थे। मैं वहां पे अपने खाने का वेट कर रही हूँ, ऑलरेडी टाइम 3 बजने वाले हैं। उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप चेक करती हूँ, वहां पे मैसेज मैम का आता है कि प्लीज हरी आप लोगों को इस क्लास में आना है, जल्दी करो, एंड मैम गुस्सा हो रही है। I was like, क्यों, अभी तो सारी क्लासेस खत्म हो। जो हमारी प्लेसमेंट वाली मीटिंग थी जिसमें मार्केटिंग के कोई सीईओ आने वाले थे, वो तो आई थिंक 4-4 बजे स्टार्ट होने वाली थी। उससे अपने कोर्स के किसी बच्चे को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं अभी यहाँ पे खाना खा रही हूँ और मुझे दवाई खानी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी हालत खराब है। तो उसने बोला कि मुझसे मत बोलो, मैम से बोल दो। इस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे चल रहा था, मैंने पेमेंट किया यहाँ पे खाने का, मैं वहां पे जाऊंगी 2 घंटे ही मुझे मूवी दिखाई जाएगी, तो मेरा खाना क्या होगा? मैं अब उनको ये तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि भैया ले लो मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं खा लेती हूँ, मैं मैम से बात कर लूंगी कि मेरी तबियत खराब है। एंड उस दिन पता है 2 मीटिंग होने वाली थी, पहली जो मीटिंग जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था कि प्लेसमेंट की मीटिंग होने वाली है जो कि 4 बजे से स्टार्ट है, फिल्म्स वालों की भी मीटिंग होने वाली थी 3 बजे से, एंड मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे एक मैसेज भी दिखाती हूँ सी, यहाँ पे बस मैम ने ये लिखा है कि आप लोग जल्दी से मतलब आओ। तो मैं इस चीज को बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज आया है। मैं अपना खाना खाया, फिर जब 4 बजे तो मैं अपने प्लेसमेंट वाली मीटिंग में गई। वहां पे जब मैं गई तो बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब पूरी सीट भरी हुई थी, मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो कि ना आया हो। एंड जो मेरे कोर्स के बच्चे थे उसमें सिर्फ मैं आई थी वहां प्लेसमेंट वाली मीटिंग में, क्योंकि जो मेरे कोर्स के बच्चे थे वो दूसरी मीटिंग अटेंड कर रहे थे जो मूवी दिखाई जा रही थी। तो मैं वहां पे जाती हूँ एंड वहां पे प्लेसमेंट वाली मीटिंग में सी, मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए था, ठीक है,
बस वहाँ पे ये था कि अटेंडेंस जरूरी, एंड मैं 2 दिन एबसेंट थी, मुझे पता था टीचर्स मुझ पर गुस्सा है, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी अटेंड करने। एंड वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी एंड मैंडेटरी है वहाँ पे आना। वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे हमारा जो भी अटेंडेंस वगैरह वो लगता है, एंड एंड में जब एकदम खत्म होने वाली होती है वो मीटिंग, जब 5 बजने वाले होते तब मेरे कोर्स के बच्चे आते हैं, बस अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। मेरे कोर्स के बच्चे थे, उन्होंने वहां पे भी फिल्म वाली मीटिंग चल रही थी जहां पे उन लोगों को फिल्म दिखाया जा रहा था, वहां पे उन्होंने अटेंडेंस दिया, यहां पे भी अटेंडेंस दिया, मैं फंस गई, मैंने वहां पे अटेंडेंस दिया ही नहीं। एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। अगले दिन मैं क्लास में बैठी हूँ एंड सारे बच्चे मुझसे यही कह रहे हैं, आज तो तुम गई इस बार, आज मैम तुम्हारी क्लास लगाने वाली थी। मैम आती हैं, एक मैम जो हमारी क्लास टीचर थी वो मुझे सुनाती है, बहुत सुनाती हैं। शी वाज लाइक कि मैं उस टाइम रोने लगी थी क्लास के सामने, जो मेरे मतलब क्लास में बच्चे थे उनके सामने मैं रोने लगी हो रही थी ना, तो मैंने अपना सर नीचे कर लिया था एंड मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे देखे, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। ओके, तो मैंने लाइट जला दी, मुझे बाद में फ्लो में समझ में नहीं आया कि मेरी वीडियो बन कैसी रही। तो वो मैम आई एंड मुझे वो सुनाई जा रही, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। एंड उस टाइम पता है क्या हुआ, मुझे इतनी खांसी आई थी ना, मुझे कुछ बोलना भी नहीं था, मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं एब्सेंट थी, मेरी गलती है, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। एंड उन्होंने मुझे 10 to 15 मिनट्स तक ऐसे सुनाया था एंड उस टाइम मुझे रोना आ गया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ पर रोना आ रहा था यार कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आई थी एंड मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। हम फ्रेशर थे, हमारा भी क्लास स्टार्ट हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे एंड टीचर्स वगैरह ऐसे मुझे डांट रहे थे, ऐसे किया था। एंड मैम वॉज लाइक, मैडम सर ऊपर करिए, लुक इन टू माई आईज। आई वॉज लाइक कि शिट, मेरे क्लास का कोई भी बच्चा आके मुझसे ये नहीं पूछा कि स्वरा आर यू फाइन, मतलब सब वहाँ पे सुट्टे की ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आए मुझे ये दे सिंपथी दे कि चलो आर यू फाइन, चलो ठीक है रो मत, ये सारी चीज़ें। बट एक चीज़ होती है ना यार, बस एक चीज़ की तुम्हारी क्लासमेट रो रही है एंड तुम उसके सामने बैठ के बातें करो, मतलब एक होता है ना कि तुम एक बार आके उससे पूछ ही लो, मतलब ऐसे ही कि आर यू फाइन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टीचर आने वाली थी, उनका उस दिन क्लास नहीं था बट वो हमें आने वाली थी डांटने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे फिल्म वाले मीटिंग में भी नहीं गए थे और प्लेसमेंट वाले मीटिंग में भी नहीं गए थे। खैर मैं तो प्लेसमेंट वाले मीटिंग में गई थी। हम उनका वेट कर रहे हैं, 1:30 पे हमारी क्लास खत्म हुई एंड वो आई थिंक उसके 10 मिनट बाद आने वाले थे। क्लास के मॉनिटर्स थे ना, उन्होंने हमसे ये बोला था कि तुम लोग अभी बैठे रहो, 15 मिनट के लिए मैम आएंगी, दूसरी मैम, ये वाली नहीं जिन्होंने मुझे अभी डांटा है, दूसरी मैम आएंगी एंड उनको तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। मैं वहां पे बैठी हूँ एंड मेरे पास इतना छोटा सा बॉटल था, ओ शिट, मेरे पास अभी वो है, मेरे पास ये वाला बॉटल था, ये मैंने वही कॉलेज से लिया था, तो ये वाला था। तो मैंने बोला कि अरे टाइम हो गया, अभी मैम नहीं आई तो मैं अभी जाती हूँ एंड मैं अपना बॉटल भर के आती हूँ, मुझे वॉशरूम में जाना था। मैं गई अपना पानी भरने के लिए, मुझे खांसी आ रही थी, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गई पानी भरने के लिए एंड पानी भर के जैसे ही मैं आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मुझे पता था कि मैम आ जाएगी तो फिर ऑकवर्ड हो जाएगा कि मैम आ गई क्लास में फिर मैं जाऊँ, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी पानी भर के आई, मैम आ चुकी थी। मेरी किस्मत उस दिन इतनी ज्यादा खराब थी, मैम ने मुझसे ये बोला कि तुम मेरे क्लास में टहलते टहलते आ रही हो, मेरी आवाज पूरी बंद। उसके बाद उन्होंने मुझे डांटना स्टार्ट किया एंड वो मुझे डांटे जा रही। मैं सोचा कि मैम को ये बोल दूं कि मैम मैं पहले से ही क्लास में बैठी थी, बस पानी भरने के लिए गई थी एंड 1 मिनट ही हुआ मुझे बस जाए हुए, बट मैं चुप थी। मैंने बोला कि पहले ही मैम का दिमाग खराब है, अगर मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो उनको यही लगेगा कि मैं यहाँ पे एक्सक्यूजेस दे रही हूँ। उनको पता है क्या लगा था कि मैं बस उनकी बातें सुनने के लिए ऐसे ही टहलते टहलते आ गई हूँ एंड मैं यहाँ पे बैठ के क्लासेस नहीं कर रही थी, तो उस चीज पे उन्होंने मुझसे बोला कि आप टहलते टहलते आई। फिर उन्होंने मुझे डांटना स्टार्ट किया कि तुम बताओ कि तुम कल फिल्म वाली मीटिंग में आई क्यों नहीं थी। तो मैंने बोला कि मैम मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं था, तुम अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करती, तुम व्हाट्सएप नहीं चलाती। बोल सकी मैम ने मुझसे बोला कि क्या तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो जो कि हमारा फिल्म वाला ग्रुप बना। मैंने बोला कि मैं हूँ, एडेड हूँ। तो उन्होंने बोला तो तुमने मैसेज नहीं चेक किया, क्या तुम व्हाट्सएप नहीं चलाती। मैंने बोला कि मैम मैंने मैसेज देखा था बट उस पर कोई भी मैसेज नहीं आया था एंड उस पर सिर्फ एक ही मैसेज आया था, वो भी मैम ने कल खुद किया था कि आप लोग जल्दी से रूम नंबर इसमें आओ, वही से पहला मैसेज था, उसके पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी मीटिंग के बारे में एंड यहाँ पे ये प्रूफ भी है। मैंने सोचा कि मैं उनको ये दिखाऊं बट आई वॉज लाइक कि मैं नहीं करने वाली। वन मोर थिंग कि पूरे क्लास में बहुत सारे बच्चे दोनों मीटिंग में नहीं गए थे बट डांट सिर्फ मुझे पड़ी, वो भी क्लास में खड़ा करके सबके सामने। आई वॉज सो न्यू, आई वॉज फीलिंग सो बैड। मैं बस यही सोच रही थी कि भाई और भी बच्चे हैं मैम, उन पे भी थोड़ा फोकस करो। वो ऑब्वियसली मेरी टीचर है, ठीक है, अगर वो डांट भी रही है कि मैं एबसेंट थी तो मैं उस चीज़ के लिए उनको बोलना नहीं चाहती थी। मैंने उनको बोल दिया कि मैम एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं प्लेसमेंट वाली मीटिंग में गई थी। शी वॉज लाइक, बेटा तुम्हें प्लेसमेंट की पड़ी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई की नहीं पड़ी है, वहाँ पे 2 घंटे की मूवी दिखाई गई एंड वो इतनी नॉलेजेबल थी एंड यहाँ पे सारे बच्चों को पता है कि उस फिल्म में क्या क्या चीज़ें थी, तुम्हें पता है, तुम प्लेसमेंट के लिए गई थी, तुम्हारे लिए प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझसे जो बात बोली ना वो ये था
या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड बन गया है जिसके चक्कर में तुम प्लेसमेंट मीटिंग में गई। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं वहां पे स्पीचलेस थी। मुझे उस टाइम गुस्सा भी आया था जिस तरीके से उन्होंने मुझे टॉन्ट मारा था, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड बन गया है जिसके चक्कर में तुम प्लेसमेंट मीटिंग अटेंड करने गई थी। मैंने सोचा शिट यार, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उस टाइम रोना आ रहा था एंड उस टाइम मैं शॉक थी यार, ये टीचर बोल कैसा चलता, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं यहाँ पे। वो प्लेसमेंट मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आप लोगों ने वो जो मैसेज दिया था ऐप पे कि सारे बच्चों को वो प्लेसमेंट मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, वहां पे मार्केटिंग सीईओ आ रहे हैं एंड वहां पे प्रेजेंट होना कंपलसरी है, दिखाता कि वहां पे अटेंडेंस आप लोगों की लगनी ही लगनी है, वहां पे आप लोगों को आना है। कि एक घंटा मैं वहां पे भी बैठी, दो घंटा मैं यहाँ पे बैठ जाती, मूवी दिखाई जाती, उसमें तो मुझे और मजा आता। तो मैं उसकी जगह वहां पे जाती ना, सारे बच्चों की तरह वहां पे जाती, मैं अपना अटेंडेंस लगाती, फिर मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए आती और मैं अपना अटेंडेंस लगा देती। बैठी तो मैं यहाँ पे भी थी ना, यहाँ पे भी मैं बैठ जाती, मुझे नहीं डांट पड़ती। बट उस चीज के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आज कुछ होने वाला है। ये सारी चीजें थी, यही सारी रीजंस थी एंड मेरे पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही थी एंड एक महीने वहां पे रह के मैंने ट्राई किया कि हाँ चलो ठीक है, बट हुआ नहीं। सो दैट्स व्हाई आई टुक ड्रॉप आउट। सो या यही था रीजन। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस अपनी बातें बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। या गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।